गाजियाबाद में मोदी नगर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। हाल ही में गौतम बुद्ध नगर के झारचा इलाके में एक फौजी से पिस्टल लूट ली गई थी। पिस्टल लूटने के बाद एक गैंग बनाया गया। गैंग में 5 सदस्य थे जिन्होंने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डीजल लूटने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक यह गैंग रोड पर चलने वाले भारी वाहनों को रोककर हथियार के दम पर उनका डीजल लूट लिया करता था। उसके लिए इन्हें हथियार की जरूरत होती थी, इसलिए इन्होंने फौजी को निशाना बनाया था और उससे उसकी पिस्टल लूटकर फरार हो गए थे। सर, ये जो बदमाश पकड़े हैं, कहां से पकड़े हैं, कितनी संख्या है इनकी और कितने इन पर आपराधिक मामले हैं और क्या क्या हथियार मिले हैं? ये दिनांक 15/5 को कादराबाद चौकी पे हम लोग चेकिंग कर रहे थे इंस्पेक्टर टीम के साथ, तो एक बिना नंबर की सेंट्रो का मेरठ की तरफ से आई, तो उसको जब चेक किया गया तो इसमें सवार व्यक्तियों ने अचानक जो है पुलिस पे फायर कर दिया, तो इस पर संदिग्ध हुआ तो इसको आगे जाकर के रोक दिया गया, तो इसमें से 5 व्यक्ति जो है वो मिले और उनकी तलाशी ली गई, तो उनसे 5ों के पास असलहे मिले और एक व्यक्ति के पास एक पिस्टल मिली जो जारचा गौतम बुद्ध नगर जनपद के जारचा थाने से एक फौजी ओमकार शर्मा है उनसे लूटी गई, उसका मुकदमा वहाँ एक कायम है और इसके बाद फिर इनको लाया गया, पूछताछ की गई, तो मूलतः इन्होंने ये बताया कि हम लोग डीजल चोरी करते हैं और विगत 2 साल से हम लोग कर रहे हैं और डीजल चोरी में अगर कोई अवरोध उत्पन्न करता है या ड्राइवर वगैरह कोई होते हैं तो ड्राइवर से लूटपाट भी कर लेते हैं, उसके साथ मारपीट भी। सर, इन पे कितने आपराधिक मामले हैं? इन पे मसूरी में 2 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, इसके अलावा मोदी नगर में हैं और बाकी पिलखुआ थाने में हैं, वहाँ से भी हम लोग इनके आपराधिक इतिहास का पता कर रहे हैं। ये 7 किस्म के चोर अभी आप सर बता